हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सर, जैसे आपने बताया पेटर्न के लिए, तो मेल पेटर्न क्या होती है? मेल पैटर्न बालनेस क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ कि ज्यादातर मेल में एक पैटर्न देखी जाती है। जैसे कि ये जो अपना एरिया है, ये नॉर्मल आदमी है जिसको हेलोस चालू नहीं हुआ, फिर यहाँ से ये बाल अंदर जाना चालू करते हैं धीरे धीरे, आप देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे पीछे का जो क्राउन है वहां पे बाल्डनेस चालू हो जाती है, आगे की हेयरलाइन पीछे जाती रहती है और ये क्राउन बढ़ता रहता है। फाइनली आप देखते हैं कि ग्रेड 7 में आपके ऑलमोस्ट आगे के पूरे बाल निकल जाते हैं। ये जो है वो परमानेंट एरिया है, ये बाल कभी नहीं जाते हैं और ये आगे के पूरे बाल चले जाते हैं। तो ये जो है वो परमानेंट एरिया है, ये बाल कभी नहीं जाते जो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं। किसी किसी को पैटर्न बालनेस में अलग पैटर्न होती है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जिसमें खाली आगे का ही पार्ट जाता है, इसमें पीछे का हेयर लॉस नहीं होता है। तो ज्यादातर मेल का हेयर लॉस आप देखते हैं तो ये पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए इसको मेल पैटर्न बालनेस बोलते हैं। वैसे ही फीमेल पैटर्न बालनेस में अपना जो एक सेठी रहता है वो चौड़ा होना चालू हो जाता है, आप देख रहे हैं कि ये चौड़ा हो रहा है और फाइनली ये बहुत चौड़ा हो जाता है। लेकिन फीमेल्स में ज्यादातर उसकी हेयरलाइन जो है वो पीछे नहीं जाती, उनका पूरा ये पार्ट में थिनिंग हो जाता है। उनके भी पीछे के जो बाल हैं, जैसे कि ये मेल्स में ये पीछे के जो बाल हैं वो नहीं गिरते, वैसे फीमेल्स में भी जो पीछे के बाल हैं वो गिरते नहीं, लेकिन आगे का पूरा एरिया आपका खाली हो सकता है। तो ये पैटर्न को फॉलो करने की वजह से इसको पैटर्न बालनेस बोलते हैं। सर, डिफ्यूज हेयर लॉस क्या होता है? डिफ्यूज माने बिना पैटर्न को फॉलो किए जो हेयर लॉस हो रहा है वो, माने इसमें आप टेलोजन इफ्यूलियम बोल सकते हैं, या ये साइंटिफिक वर्ड है कि जिसमें आपके शरीर को कोई स्ट्रेस पड़ता है तो उसके 2-3 महीने बाद आपके बहुत सारे बाल गिरते हैं। क्यों 2-3 महीने बाद गिरते हैं कि मैंने बताया था कि वो हेयर साइकिल 3 मंथ्स की है। अभी आज आपको स्ट्रेस पड़ा तो जो 3 महीने के बाद जो उगने वाले बाल हैं उसके लिए न्यूट्रिशन नहीं, तो वो 3 महीने तक आपके बाल बहुत सारे गिरेंगे, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला है तो वो कम उगेंगे और नए जो पुराने हैं वो गिर जाएंगे। लेकिन अगर 3 महीने के बाद आप अच्छा खुराक खाते हैं तो वो बाल वापस आ सकते हैं। तो अगर आप नहीं खाते हैं फिर भी आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चालू रहता है तो बाल गिरना चालू रहता है। तो परीक्षा आई है, कोई ऑपरेशन बड़ा कराया है, कार्डियक अटैक आया है, नी रिप्लेसमेंट कराया है, सिजेरियन हुआ है, प्रेगनेंसी आई है, ऐसे सब कारण की वजह से जिसपे शरीर पे आपको स्ट्रेस पड़ा है, वैसे सब कारण में आपका डिफ्यूज है। तो मैंने कोई पैटर्न नहीं मिलती इसमें कि यहाँ से जा रहे हैं या वहां से जा रहे, पूरे सर से बाल जा रहे, तो वो आपका डिफ्यूज हेयर लॉस बोलते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेसेस और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। ये QR कोड को स्कैन करके आप हमारी जो वेबसाइट है www.drashutoshsah.com पर जा सकते हैं इंक्वायरी के लिए। इसके अलावा हमारी YouTube चैनल है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह, उसके ऊपर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। ये QR कोड स्कैन करके आप वहाँ पे सीधा जा सकते हैं। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और ये सारी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं और हम सभी पेशेंट्स को उनके अच्छे रिव्यूज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं, और आपके समय के लिए भी आपके आभारी हैं। थैंक यू।